दिल्ली सरकार द्वारा बुराड़ी पुस्ता रोड पर राहगीर का आयोजन किया गया। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध मुहिम के तहत नेबरहुड राहगीर का आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा पिछले कुछ वक्त से किया जा रहा है। इसका मकसद पर्यावरण में सुधार लाना और पॉल्यूशन को कम करना है। सुबह सुबह लोग जब अपने घरों से सैर को निकले, उस वक्त लोगों को जागरूक करना इसका मकसद था। राहगीर यह कार्यक्रम बाबा कॉलोनी के पास पुस्ते पर किया गया। इस दौरान योगा, जुम्बा, म्यूजिक बैंड, सिंगिंग आदि कार्यक्रम किए गए। लोगों को प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कम करने के लिए व रेड लाइट पर सिग्नल रेड के दौरान गाड़ी बंद करने के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर बुराड़ी विधानसभा से विधायक संजीव झा और साथ में दिल्ली सरकार द्वारा गठित की गई इस कमेटी की पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से इसमें लोगों को जागरूक करने का काम किया। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार प्रयास करती रही है। आपने देखा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, आपने देखा कि किस तरह से रेड लाइट ऑफ, रेड ऑन गाड़ी ऑफ का कार्यक्रम था। ग्रीन ऐप के जरिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि कहीं का पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है अगर कम्युनिटी की जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक ये लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी जाएगी, ठीक से प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ा नहीं जाएगा। तो ये कम्युनिटी को एक साथ लाने का प्रयास दिल्ली सरकार के जरिए हमारी DDC और राहगीर फाउंडेशन का आयोजन कर रही है। देखिए, दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार आई है, आप देख सकते हैं कि जो प्रदूषण था कम से कम 25% घट गया है। और इसी तरह से ये मुहिम चलाया जा रहा है, राहगीर फाउंडेशन की तरफ से चलाया जा रहा है दिल्ली सरकार के माध्यम से, जो कि यहाँ पे दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है। जैसे कि अभी आपको बताया उन्होंने, अभी बताए बैठ में भी, कि अगले 2 से 3 साल में 25% प्रदूषण और कम कर देंगे। तो मैं दिल्ली वासियों से निवेदन करूँगा कि आप सभी जहाँ भी गाड़ी रेड लाइट हो वहाँ गाड़ी ऑन ऑफ कर दें, और जब हरी बत्ती हो तब ऑन करें। इससे कुछ ना कुछ आप दिल्ली के लिए प्रदूषण मुक्त कीजिएगा, जितना जरूरत हो सके उतना ही गाड़ी का यूज कीजिए। प्रदूषण जो है पूरे उत्तर भारत का प्रॉब्लम है, दिल्ली नहीं, विश्व का। अगर हम देखें जो 21 सबसे प्रदूषित शहर हैं विश्व के, उसमें से करीब 18 यूपी में हैं। तो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद सब प्रदूषण में हैं। तो जब तक जनता को, सरकारों को, हमें मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हवा होती है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जो अगर नोएडा में, गाज़ियाबाद में कुछ हो रहा है तो उसका असर दिल्ली पे भी पड़ेगा। और अगर सारे लोग, हम सब मिल जाएं और हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में स्टेप्स लें, और सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा, सारी सरकारों को मिलके काम करना पड़ेगा। पिछले साल जो हमारी ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर 30,000 कंप्लेंट आई थी और सारी की सारी सॉल्व हो गई। ये 30,000 कंप्लेंट सारी प्रदूषण से ही जुड़ी हुई थी। तो अगर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं जा सकती, आप रह रहे हैं, आपको पता है आपके घर के पास किस वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो आपको ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप सरकार को बोलें आओ यहाँ पे और इसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो।